टैंक टॉप क्रॉप टॉप शर्ट जैकेट ब्लाउज वाले टॉप क्यूट टॉप्स ऐसे टॉप्स वैसे टॉप्स सारे के सारे वैरायटी के टॉप्स में लेके आई हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए फ्रॉम ऑर्गेनिक चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है मैं हूँ आप सबकी चहेती गीमा आशी और मुझे अभी हो रहा है 101 फीवर फिर भी मैं पूरा अपन ठंड के बैठी हूँ ब्लॉग शूट करने मैंने मेडिसिन मैं खाई है और उसके बाद जब मैंने थोड़ा बेटर फील किया अब थोड़ा मेरा फ़ीवर भी डाउन हुआ तो मुझसे लेटा ही नहीं जाता रेस्ट ही नहीं होता मैं उठी थोड़ा तैयार हुई मैंने सोचा क्यों ना अपने माइंड को थोड़ा इधर उधर शिफ्ट किया जाए वैसे भी इतने दिनों से मैं प्रॉपर शूट नहीं कर पा रही हूँ तो मैं ये शूट करने बैठी हूँ थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है इस वजह से आपको मेरी आवाज़ भी अलग लग रही होगी लेकिन मैं फुल ऑन चेयर अप हूँ व्लॉग शूट करने के लिए आज का वीडियो आप टाइटल से तो समझ ही चुके हो कि इस बार मैं टॉप लाइक अपर टॉप हॉल करने वाली हूँ अर्बैनिक अर्बैनिक, अर्बैनिक इज़ माई फेवरेट पर्सनल फेवरेट ब्रांड आपको पता है कि मैं कितना ज़्यादा यूज़ करती हूँ और आपने सॉरी और आपने अगर मेरी बॉटम वेयर का हॉल नहीं देखा है तो वो जाकर ज़रूर देखना वो लाइव हो चुका है तो मेरा एक कूपन कोड भी है गीमा बी ट्वेंटी अगर आप बैनिक से कोई भी शॉपिंग करते हो तो अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको 25 परसेंट ऑफ़ मिलेगा अगर आप न्यू यूज़र हो और अगर आप मेरी तरह पुराने यूजर हो तो आपको फिफ्टीन ऑफ मिलेगा तो वैसे भी बहुत कुछ ऑफ वगैरह चलते रहते हैं तो आपको बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा वैसे भी बर्थडे पार्टीज ये वो हर तरीके का आइटम वहाँ मिल जाता है आज की कैटेगरी टॉप को लेकर है और ऐसे टॉप लाइक ह्यूज वैरायटी है वहाँ पे आपको जिस तरीके के चाहिए सॉलिड प्लेन कलर का टॉप चाहिए क्रॉप चाहिए लॉन्ग चाहिए श्रग पैटर्न में चाहिए क्यूट बारबी पैटर्न मतलब इतने ह्यूज वैरायटी है ना मैं आपको क्या बताऊँ फ़ैब्रिक बहुत अच्छा होता है क्वालिटी स्टिचिंग सब कुछ बहुत अच्छी होती है मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ तो मैं आपको वो सम अप करके दिखाऊंगी और आज का हॉल थोड़ा अलग होने वाला है मैं एक एक टॉप को लाइक अनपैक करके दिखाऊंगी तो साथ में यहाँ वीडियोस चल रही क्योंकि ये हॉल मैंने थोड़ा अलग तरीके से शूट किया है सारे के सारे टॉप मैं पहले पहन चुकी हूँ रिव्यू कर चुकी हूँ उसके बाद मैं आपको एक एक टॉप दिखाऊंगी और उसकी डिटेल्स बताऊंगी तो साइड में यहाँ या यहाँ वो वीडियोस चलती रहेंगी तो बस बहुत सारे टॉप होने वाले अभी मैंने काउंट भी नहीं करा है कि कितने ये सारे टॉप हैं मैं दिखाती जाऊँगी और एंड वीडियो में काउंट करके बता कि कितने टॉप हुए हैं मेरे तो चलो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं और दिखाती हूँ सबसे पहला टॉप सबसे पहले मैं टैंक टॉप ही दिखा देती हूँ ये जो मैं अभी पहन के बैठी हूँ ये है एट नाइनटी रूपीज का ये सबसे पहले मैंने एक ब्लू कलर में मंगवाया था आप अगर आपने मेरी आ, बाइक चलाते हुए वीडियो देखी है तो मैंने एक ब्लू कलर का टैंक टॉप पहना हुआ है यही वो टैंक टॉप है उसी का ये कलर है वो ब्लू मुझे इतना पसंद आया था इधर आप पिक्चर्स या वीडियोस में देख सकते हो इतना पसंद आया था कि मैंने उसका हर एक कलर वो चार कलर में अवेलेबल था मैंने चारों मंगवा लिए दिस खाकी वाइट ब्लैक एंड ब्लू ये आठ सौ का है लेकिन टोटली वर्थ इट है आप इसको अलग अलग तरीके से पहन सकते हो कुछ शेयर टॉप के नीचे पहन सकते हो शर्ट के नीचे पहन सकते हो जिम में पहन सकते हो कुछ अगर आपका चिकनकारी सूट है कुर्ता है उसके नीचे पहन सकते हो मतलब ये इतनी तरीके से पहना जाएगा ना तो मैंने ये चारों कलर ले लिए थे अभी मैं एक पहन के बैठी हूँ बाकी आप फोटो वीडियोज़ में देख सकते हो और पिक्चर में क्या दिखाया था वो भी देख सकते हो अब दूसरा टैंक टॉप है वो है सिक्स नाइन्टी का ये ग्रीन कलर का टैंक टॉप इसके चार कलर के ऑप्शंस थे ग्रीन ऑरेंज ग्रे एंड ब्लैक तो मैंने ग्रीन एंड ऑरेंज दोनों मंगवा लिया है उसके बाद एक और टैंक टॉप मैं आपको दिखाती हूँ ये रेड कलर का टैंक टॉप है ये है थ्री फोटी फाइव रुपीज़ का रेड कलर का इस ये भी मैं मंगवा चुकी हूँ मैं और सारे के सारे टैंक टॉप को ना मैंने एक ही पॉली में करके रख लिया है जिप लॉक कि अब जब मुझे कुछ ऐसा टैंक टॉप पहनना होगा तो मैं एक ही पॉली में से सारे टैंक टॉप निकाल लूँगी तो मैं आपको फटाफट से दिखाती हूँ ये जो मैं पहन के बैठी हूँ इसका सेम ये ही है अपना वाइट कलर ठीक है यहाँ जो वीडियो चलाऊँगी बिना मैं तो वो मैंने सेम ही पहना हुआ है तो इसकी वीडियो चलेगी तो जस्ट मैं इसके आपको कलर्स दिखा रही हूँ कि मैंने खुद के लिए लिए हैं ये बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है ये तो वाइट एंड ब्लैक हो गया ब्लू आप देख चुके हो ये है वो ग्रीन एंड ऑरेंज इनकी क्या है लेंथ थोड़ी छोटी है आप देख सकते हो वैसे बिल्कुल सेम है इनकी लेंथ थोड़ी छोटी है और ये कुछ इतने स्पेशल नहीं थे कि मैं लिटरली लाइक like सबको वीअ करके दिखाऊं ये तो मैं मे मेरे को पर्सनली चाहिए होते हैं तो मैंने अपने कलेक्शन में ऐड करने के लिए इनको ले लिया है ये रेड कलर का आप देख सकते हो ये थ्री फोर्टी फाइव रुपीज़ का टैंक टॉप है टैंक टॉप चाहिए ही होते हैं और ये बहुत तरीके से यूज़ आ जाते हैं तो ये तो थे मेरे टैंक टॉप्स अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ सब उसके बाद जो मैं आपको दिखा रही हूँ तो ये है एक रफल प्लेकेट ब्लाउज काफ़ी बार ये ब्लाउज वर्ड देते हैं स्टाइलिश टॉप को ठीक है तो इसका प्राइस यहाँ पे दो हज़ार नब्बे दिखा रहा है इसमें पांच कलर के ऑप्शन है इसमें स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल सारे साइजेज हैं लेकिन मैंने इसको दो हज़ार रुपये का नहीं लिया है ये तब डिस्काउंटेड था तब मैंने इसको लिया अभी इसमें कोई डिस्काउंट दिखा नहीं रहा है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना ज्यादा सुंदर है मैं जब यहां एक्सप्लेन करी साइड में वीडियो चली रही होगी आप देख भी सकते हो आप देखो ये पूरा क्रोशिया काइंड ऑफ जैसे चल रहा है ना सी थ्रू टाइप का वैसा सा है आप इसकी लेंथ देख सकते हो कितनी सुंदर है आप इसकी स्लीव्स देख सकते हो कितनी सुंदर है एंड में आपको ना ऐसे इलास्टिक मिल जाएगी जिससे अच्छी सी ग्रिप बन जाएगी और फ्रंट में आपको ना ऐसे बटन मिलेंगे वो भी बहुत प्यारे से बटन है देखो येल्लो ही कलर के बटन है ये चार पांच बटन है जो आप बंद करोगे इसके नीचे आप ब्लैक कलर कुछ भी पहन सकते हो शायद इसके नीचे मैंने स्किनी कलर का टॉप पहना था इसको दिखाने के लिए कि ये लगेगा कैसे ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है थोड़ा लॉन्ग भी है इसको आप बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हो बहुत सारे कलर ऑप्शंस में बहुत स्मूथ भी है बाकी आप वीडियो में देख ही रहोगे इसका लुक फिट कैसा आ रहा है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये बहुत ज़्यादा ना आजकल ट्रेंडी भी है ये क्रोशिया मटीरियल नहीं आया एग्री लेकिन इसका ना थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन देखो ना जाल वाला वैसा सा ही है तो ये बहुत ज़्यादा चल भी रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना इसको लिया जाए अभी ये वैसे 2000 का दिखा रहा है आईना थोड़ा कॉस्टली दिखा रहा है आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे तो कम का मिल जाएगा और अभी अगर मैंने पर सेल भी लगती रहती है तो आपको काफ़ी अच्छे प्राइस में ये मिल जाएगा चलो नेक्स्ट दिखाती हूँ लो क्रोशे की बात चल रही थी तो मैंने अपने दोनों क्रोशे के टॉप मैंने निकाल लिए हैं ये जो ग्रीन कलर का है ये चौदह सौ नब्बे रुपये का है इसका नाम है कट आउट पुल ओवर स्वेटर लिखा हुआ है इस पर चार कलर के ऑप्शंस थे दिस नियॉन ग्रीन पिंक ब्राउन एंड वाइट जो दूसरा है वो है कट आउट नेट पोलोवर ये नाइन नाइन्टी रुपीज़ का इसमें दो कलर थे स्क्रीम एंड एक खाकी कलर तो ये दोनों हैं अब इसमें स्वेटर लिखा है लेकिन स्वेटर वाला इसका कोई भी सीन नहीं है मैं दिखाती हूँ पहले आपको ये कलर ये कलर इतना ही अलग ही आपको कहीं भी पड़ा हुआ चटक नियॉन ग्रीन खिलता हुआ दिखेगा जुगनू लगूंगी मैं इसको पहन के तो आप वीडियो में देख सकते हो कि ये क्या इसका लुक है क्या फिट है इसका ये बहुत ज्यादा लूज है और आप देख सकते हो इसकी स्लीव्स है तो ये ऊन का बना हुआ बहुत ढीली इसकी बुनाई हुई है बहुत सॉफ्ट वूल है ये कलर बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है और अब आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे स्टाइल कर सकते हो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और मतलब इस तरीके का ना दोबारा फ़ैशन आ चुका है स्कूल टाइम कॉलेज टाइम में मतलब इलेवेंथ ट्वेल्थ या कॉलेज के फर्स्ट में इस तरीके की मैं पहनती थी कि अंदर ऐसा टैंक टॉप पे ना ऊपर से ये कुछ ऐसे करके पहन लिया ढीला ढाला था ये दोबारा से इन सब चीज़ों का फ़ैशन लौट के आ रहा है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा अब जो दूसरा है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ इसकी वूल उससे थोड़ी ज़्यादा पतली है और आप देख सकते हो ये ऑफ वाइट कलर का है वीडियो में तो आप देख ही रहोगे कि इसकी लेंथ कितनी है इसका नेक कितना ब्रॉड है आप इसकी स्लीव्स देख सकते हो काइंड ऑफ बेल इसकी स्लीव्स है मटेरियल इसका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है पता ही नहीं चल रहा था पहन के ही कुछ पहना हुआ भी है ये ना उन टाइम के लिए परफेक्ट रहता है जैसे अक्टूबर के टाइम में ना हल्की हल्की ठंड भी हवा भी चल रही होती है और आपको ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और शाम के टाइम पर मन करता है कि यार कुछ ऐसा सा हो उन उस टाइम उस सीज़न ये बहुत अच्छा लगता है पहनने में और ऐसा नहीं आप गर्मी में नहीं पहन सकते हो पहन सकते हो इतना कुछ वो नहीं अगर आप ए सी में हो तो ये दोनों मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे नेक्स्ट दिखाती हूँ <laughs> नेक्स्ट हमारा ये ब्लॉकिंग बॉडी सूट है सिक्सटीन हंड्रेड नाइन्टी रुपीज़ का इसमें दो कलर ऑप्शन थे ब्लैक एंड वाइट मैंने ब्लैक मंगवाया है बॉडी सूट की फिटिंग इतनी ज़्यादा परफेक्ट आ रही है ना आप वीडियो में देख ही सकते हो और जो इसका मज़ा है ना वो सारा है इसकी स्लीव्स में है आप देखो इसकी ये स्लीव्स पूरी है स्लीवलेस ऊपर से पूरा ये इतना सॉफ्ट और टाइप का मटेरियल लगा हुआ है ना और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ये स्ट्रेचबल है और कितना छोटा सा ये है तभी इसकी फ़िटिंग इतनी ज़्यादा अच्छी आ रही है मैंने इसका साइज़ स्मॉल मंगवाया है इसमें दो कलर के ऑप्शन है ब्लैक मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था बहुत डिफरेंट टॉप का स्टाइल आ रहा था मैंने इसलिए मंगवाया आप देख सकते हो ये मुझे थोड़े कम का पड़ा था ये तो बिल्कुल अभी रेट टू रेट पर बता रही हूँ मुझे थोड़ा डिस्काउंट में मिला था ये लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर बहुत पिटी बहुत अच्छा ये टॉप लग रहा है पार्टी वार्टी में पहन के जाने के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है चलो नेक्स्ट दिखाती हूँ रॉ हेम वेस्ट जैकेट ये मुझे 50% ऑफ में 845 की पड़ी थी इसमें दो कलर थे मैंने ना ये ब्लैकिश ग्रेश कलर मंगवाया एक ब्लू भी था पिक्चर में मैंने ब्लू लगाया लेकिन मैंने मंगवाया ये ब्लैकिश ग्रेश कलर का मतलब ये इतना मस्त लग रहा था ना मतलब आप देख सकते हो ये स्लीवलेस क्रॉप डेनिम जैकेट है आगे इसमें पॉकेट जैसा स्टाइल बना हुआ है लेकिन पॉकेट है नहीं आप देख सकते हो मैंने इसको पहना है क्या मस्त इसका लुक आ रहा है कि मतलब आप, आपने टैंक टॉप पहना आपने इसको पहले ही आपके लुक को और इन्हैंस कर देगा मतलब इतना स्टाइलिश मुझे लग रहा था ना और परफेक्ट है मतलब गर्मी वर्मी में भी कुछ ऐसा सीन है ये जस्ट एक स्टाइल के लिए है काफ़ी कुछ आप स्टाइलिश चीज़ें ढूंढते हो ना कहीं बार और ऐसी चीज़ें आपको और बैनिंग में बहुत आराम से मिलेंगी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कूल cool लगा और डैनम का फैब्रिक भी, भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो इसलिए तो मुझे बहुत अच्छा लगा मैक्स दिखाती हूँ नेक्स्ट हमारी है पॉकेट विंड ब्रेकर जैकेट ये एटीन हंड्रेड नाइन्टी रुपीज़ का एम आर पी है लेकिन मुझे गाइज फोर्टी परसेंट या थर्टी परसेंट ऑफ पे ही मिला था ये इसमें तीन कलर थे नियॉन औरेंज और ये सब मैंने ऑरेंज मंगवाया है और आप इसका लुक देख सकते हो इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा है कलर इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है लुक फिट बहुत अच्छा है जिप की क्वालिटी बहुत अच्छी है आप चाहो तो मतलब पूरी जिप बंद कर सकते हो खोल सकते हो स्लीव्स आप देखो आपको फ्रंट स्लीव्स की फ्रंट में इलास्टिक मिल जाएगी पूरा नीचे बॉटम आपको इलास्टिक मिल जाएगा तभी इसका नाम विंड ब्रेकर होता है विंड चीटर्स भी बोलते हैं कि लाइक हवा इतनी इसमें घुसती नहीं है शायद कुछ यही इसका सीन होता है पैराशूट टाइप का इसका फैब्रिक है और पॉकेट है इसमें काफ़ी मुझे अच्छा लगा बहुत सही है गर्मियों के हिसाब से कलर बहुत अच्छा है जिम विम में भी पहन सकते हो परफेक्ट लगा मुझे ये चलो नेक्स्ट दिखाती हूँ नेक्स्ट है शेयर प्लेकेट ब्लाउज़ ये इलेवन हंड्रेड का ये काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि नेट का श्रग है इसमें चार कलर के ऑप्शंस थे ब्राउन ब्लैक पीच एंड दिस ग्रीनिश काई वाला कलर आप बोल सकते हो मिलिट्री ग्रीन कलर आप बोल सकते हो इसको तो मैंने ये मंगवाया है ये ग्रीन सा कलर ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था मतलब ये है तो नेट का लेकिन सुपर क्वालिटी का नेट है श्रग है ये पूरा आप पिक्चर में वीडियो में देख सकते हो कैसा है और ना पहले मैं कन्फ्यूज़ हो रही थी कि ये जब सिलाई सीधी है तो ये टैग बाहर क्यों लगा हुआ है इन्होंने उल्टा मतलब टैग लगा दिया ना फिर मैंने ध्यान से देखा कि इसका लुक ही यही है जो मतलब जो सिलाइयाँ वाला पार्ट है ना वो बाहर को आएगा देख सकते हो आप ये और आप इसकी बेल स्लीव्स हैं और यहाँ पे पूरे डबल नेट लगा हुआ है स्लीव्स में भी सिंगल नेट है लेकिन ये जो पूरा कॉलर बना है जो ये है यहाँ पूरा डबल नेट लगा हुआ है और फ्रंट से आपको ऐसे दो छोटा सा कॉलर ऐसे दो ये बांधने के लिए मिल जाएंगे आप बांध भी सकते हो खोल भी सकते हो पहन के मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था मतलब मेरे को कोई कंप्लेन ही नहीं है और ये सारे ना लाइक ऐसे टैंक टॉक के ऊपर पहन लोगे तो आ, कवरी भी हो जाएगा आपका मतलब लुक और स्टाइलिश भी हो जाएगा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा नेक्स्ट दिखाती हूँ गाइज जो नेक्स्ट टॉप है ना वो भी सोल्ड आउट दिखा रहा है फोर्टीन नाइन्टी रुपीज़ का ये टॉप है ये पिक्चर में लगा दूंगी देखो सोल्ड आउट दिखा रहा है तो जब मैं क्लिक भी कर रही थी ना तो ये ओपन नहीं हो रहा था लेकिन ये बहुत सुंदर बहुत प्यारा टॉप है स्किन खाकी से कलर का ये टॉप है पीछे से पूरा जिप लॉक है और जिप से ये पूरा बंद होगा पहले तो मैं ये कन्फ्यूज़ हो रही थी कि लाइक फ्रंट इसका ये जिप वाला पार्ट है या फिर ये आगे बटन वाला पार्ट है देन ऑब्वियसली आई रियलाइज कि बटन वाला पार्ट है अब ये मुसरू मसूर से हो रहा है आयन के बाद ठीक हो जाएगा आप देख सकते हो शोल्डर पे नेक पे पूरा इलास्टिक वाला है और इसकी स्लीव्स में भी आप एंड में देख सकते हो थोड़ी सी इलास्टिक दी हुई है बहुत अच्छा सा लुक आता है इससे बाकी आप वीडियो में देख सकते हो इसका कितना परफेक्ट फिट आ रहा है ये क्रॉप टॉप लेकिन बहुत सुंदर इसका कलर लग रहा है फ्रंट में ये छोटे से ये बो बन जाएगी ऑल ओवर मतलब जैसा आप पिक्चर में दिखाया था ना एग्जैक्टली सेम वैसा ही आया फैब्रिक बहुत ज़्यादा स्मूथ है इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये टॉप और इस तरीके के टॉप बहुत चल भी रहे हैं आजकल तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा नेक्स्ट दिखाती हूँ नेक्स्ट मैं आपको शर्ट दिखाती हूँ यह है सिंप्लीसिटी प्लेकेट ब्लाउज़ वन थाउजेंड नाइन्टी फाइव रुपीज़ का है इसमें तीन कलर थे मैंने वाइट मंगवाया लेकिन मुझे इसका फैब्रिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा बहुत ही मोटा खादी टाइप का खड़खड़ इसका पैटर्न है आप देख सकते हो लूज फिट वाली ये शर्ट है इसमें यहाँ पे आपको एक तरफ पॉकेट मिल जाएगा स्लीव्स भी आप देख सकते हो लॉन्ग कितनी है मतलब यहाँ से ये थोड़ी थ्री फोर्थ काइंड ऑफ ही स्लीव्स आएंगी बहुत ढीली ढाली सी शर्ट है इसका फैब्रिक आप पास से देखो जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ ये पता नहीं वो पहनने में ना पूरा मुझे चुभसा रहा था जैसे वो प्रॉपर जूट और खादी टाइप के कपड़े होते हैं ना वैसा सा मुझे ये बिल्कुल भी ना अच्छा नहीं लगा मतलब सॉफ्ट नहीं था और मज़ा नहीं आ रहा था मुझे इसको पहन के क्या पता विंटर्स में हम इस तरीके से इसको वियर कर ले कि अंदर हाँ इनर काइंड ऑफ कुछ चीज़ पहना है जो फुल स्लीवस का है या कोई फुल स्लीव्स का टॉप पहना है उसके ऊपर पहन लेंगे तो ही ज़्यादा सही चलेगा वरना ऐसे पहनने में तो ये मुझे बहुत ज़्यादा चुभ रहा था तो मुझे ये शर्ट इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी नेक्स्ट दिखाती हूँ नेक्स्ट जो हमारी शर्ट है वो है इलेवन नाइन्टी की इसमें तीन कलर के ऑप्शन हैं मतलब चेक में ही आप देख सकते हो वाइट एंड ग्रीन वाइट एंड पीच वाइट एंड ब्लू तो मैंने ये व्हाइट एंड ब्लू मंगवाई है जितनी ही ज़्यादा गंदी मुझे इससे पहले वाली वाइट शर्ट लगी ना उतनी ही ज़्यादा अच्छी स्मूद प्यारे से फैब्रिक में मुझे ये शर्ट लगी आप देख सकते हो ये ट्रांजी सी पूरी लूज फिट की शर्ट है आप वीडियो में देख ही सकते हो चल रही है इसका पॉकेट का लुक चेक का लुक स्लीव्स ये इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही है ना और इसका फैब्रिक मतलब स्किन पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ है कि पहन के मज़ा आ जाए ऐसी शर्ट मुझे काफ़ी पसंद है लाइक पर्सनली चेक तो मुझे बहुत पसंद है विंटर्स में भी मैं मैं बहुत ऐसी चेक शर्ट पहनती हूँ और ये समर के लिए ऐसी शेयर टाइप की ये बहुत ज़्यादा अच्छी है इसमें दो तीन कलर के ऑप्शन है आप देख सकते हो आपको सी अच्छी लग रही है होगी चलो नेक्स्ट दिखाती हूँ गाइज ये एसेमेट्रिकल पुलओवर टीशर्ट टी शर्ट है और ये पैक ऑफ टू है मैंने साइज स्मॉल मंगवाया था वैसे तो ये ग्यारह सौ नब्बे रुपये की लेकिन मुझे ट्वेंटी परसेंट ऑफ में नाइन फिफ्टी रुपीज़ का ये टॉप मिला है मैंने स्मॉल साइज़ का इसको लिया है अब ये आउट ऑफ स्टॉक है तो इसलिए इसकी इमेज बड़ी नहीं हो रही तो मैंने ये छोटा सा ही स्क्रीन शॉट लगाया मैं आपको दिखाती हूँ इसमें पहले वाइट कलर का एक आपको टैंक टॉप टाइप का मिलेगा वो पहनना है उसके ऊपर पूरा नेट का सिस्टम है वो पहनना है अब ये टैंक टॉप बिना थोड़ा एड़ा बहंगा सा है मैं आपको दिखाऊँ ये है ये चीज़ अब आपको ऐसे समझ नहीं आएगा ये राउंड वाली चीज़ आएगी गले में ऐसे अंदर और ये आएगा वन शोल्डर पे तो ये कुछ ऐसा सा आपका टॉप है अब आप समझ पाओगे ये आएगा नेक पे ये आएगा शोल्डर पे ये आएगा ऐसे तो ये कुछ ऐसा सा टॉप रहेगा बाकी वीडियो साइड में चल रही है तो आप अच्छे से देख पाओगे कि वो कैसा सा टॉप है इसके साथ आपको ये मिलेगा ठीक है तो बस आप ये पहनो और इसके ऊपर ऐसे करके इसको पहन लो तो ये काइंड ऑफ ऑफ शोल्डर पूरा मैश बहुत प्यारी सी सॉफ़्ट फैब्रिक की स्ट्रेचेबल नेट है जो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है तो ये कुछ इस टॉप का लुक आएगा हाँ देखने में भी थोड़ा सा ऐड़ा बिंगा है पहनने में भी थोड़ा एड़ा बिंगा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट सा लग रहा था कुछ लग रहा था हाँ है कुछ कट आउट वाले टॉप टूप ये वैसा सा है कुछ सिंपल सा नहीं है तो काफ़ी अलग लग रहा था इसलिए मुझे ठीक लगा चलो नेक्स्ट दिखाती हूँ ये है हमारा पॉकेट ट्यूब टॉप सिक्स हंड्रेड नाइन्टी फाइव रुपीज़ का है मुझे पड़ा है फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट पे वरना तो ये तेरह सौ नब्बे रुपये का है इसमें एक ये ही सिंगल खाकी कलर था आप देख सकते हो ये ये ट्यूब टॉप है बाकी आप वीडियो में देखो ये पूरा ऊपर से इलास्टिक है बैक से पूरा इलास्टिक है है बहुत छोटा टिड्डू सा टॉप और आप देख सकते हो इसमें फ्रंट दो पॉकेट है बहुत ज़्यादा क्यूट मुझे लग रहा था आप चाहो तो अंदर पूरा फुल स्लीव्स का ब्लैक कलर का राउंड नेक टॉप पहन सकते हो स्किन फिट वाला उसके ऊपर आप इसको भी पहन सकते हो मतलब ये आपके लुक को और इन्हेंस ही करेगा लूज फिट कार्गो पहनी है आपने और फुल स्लीव्स का ब्लैक टॉप है उसके ऊपर आपने ये पहना है और आपने कैप लगाई हुई है मतलब ये आपके ऊपर है कि आप कैसे कैसे उसको स्टाइल और मतलब डिज़ाइन कर सकते हो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा अच्छा है वह टीनू मीनू छोटे सा स्टाइलिश था मुझे पसंद आया नेक्स्ट दिखाती रफल पुलोवर टी शर्ट अब इस पर टी शर्ट लिखा है वैसे तो ये बारह सौ नब्बे की लेकिन मुझे फिफ्टी परसेंट ऑफ में सिक्स फोर्टी फाइव रुपीज़ की मिली मैंने ब्लैक कलर मंगाया पिक्चर में देख सकते हो मैश काइंड ऑफ टॉप है क्रॉप और इसकी स्लीव्स कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है आप देख सकते हो नेट पे जो ये अब मल... देखो अब ज़्यादा सही दिख रहा है नेट पे जो प्रिंट हो रखा है आप इसका नेक देखो राउंड नेक और इसकी स्लीव्स ही तो इतनी प्यारी हैं और नीचे से ये जो एक्स्ट्रा ये बेल स्लीव्स बनाई गई हैं और कितना स्ट्रेचेबल ये है बाकी आप वीडियो में देख सकते हो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मटेरियल मटीरियल इस जो है ना है नेट बहुत ज़्यादा स्मूथ है मतलब ये इतना सा टॉप है ना देखो लाइक इतना सा छोटू सा और बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे ऐसे टॉप ना मुसड़ते हैं ना कुछ होते हैं और बहुत कवरी और बहुत स्टाइलिश और बहुत प्यारे लगते हैं मुझे काफ़ी पसंद है से शेयर टा ता, टाइप के टॉप्स चलो नेक्स्ट दिखाती हूँ गाइज एक टॉप था वो था ये ठीक है और मैंने इसको पहना है ठीक है आप यहाँ वीडियो भी देख सकते हो और अब वो टॉप ऐसा गायब हो गया कि मुझे दिख ही नहीं रहा है कि मैंने कहाँ रख दिया इतना छोटू टिंकू सा वो टॉप था अरे यार ये क्या हो रहा है ये इस हॉल में काफ़ी कुछ मैसा हो गया मुझे ऐसा लग रहा है ये मैं ढूंढती हूँ अगर मुझे मिल जाए तो मैंने काफ़ी देर ढूंढना मैंने ना किसी पैकेट किया तो अंदर इसको रख दिया ये बहुत ही छोटा सा टॉप था आप देख सकते हो पहले क्या तो पिक्चर में था वे क्या ये वीडियो में टॉप था लेकिन एट प्रेजेंट मेरे हाथ में ये टॉप नहीं है ऐसा तो पहली बार ही हुआ है ये ये पार्सल ना एक महीने से मेरे पास रखा है और अब जाके मैं बैनिक शूट कर रही हूँ ओ गॉड चलो एनी मैं आपको लास्ट अपना टॉप दिखाती हूँ वो क्या होने वाला है वो है नॉट प्लेकेट ब्लाउज़ एलेवन हंड्रेड नाइन्टी रुपीज़ का इसकी एम है लेकिन ये मुझे ट्वेंटी थर्टी परसेंट ऑफ पर ही मिला था इसमें दो कलर के ऑप्शन है ब्लैक एंड व्हाइट मैंने ये ब्लैक कलर मंगवाया है और जो इस नीचे स्कर्ट पहनी हुई है ना ये सेम स्कर्ट और पहने की मेरे पास बहुत पहले से लाइक अब साल भर से है ये मेरे पास स्कर्ट तो आ, मैंने बहुत कम पहना है क्योंकि मेरे को ना इसकर्ट के ऊपर कोई परफेक्ट टॉप मिलता ही नहीं था तो जब यह स्कर्ट के साथ ये टॉप पेयरअप हुआ तो मैंने इसको तुरंत ले लिया ये काइंड ऑफ शर्ट श्रग आप कुछ भी बोल सकते हो ऊपर से तो इसका शर्ट का पैटर्न है कॉटन है कॉलर है कॉटन है बोल रही हूँ कॉलर है और, और फ्रंट आप देख सक और फ्रंट आप देख सकते हो कि आपको ये ऐसे दो लम्बे लंबे से वो मिल जाएंगे आप चाहो तो उसको पूरा का पूरा फ्रंट में बांध लो नहीं तो क्रिस क्रॉस करके बांध दो आप वीडियो में पूरा लगातार देख सकते हो कि मैंने पहले क्रिस क्रॉस करके बांधा था फिर पूरा लुक देखो फिर मैंने खोल के फ्रंट आपको बांध के दिखाया आप पूरा ऐसे खोल के भी गिरा हुआ पहन सकते हो आप देखो ये इसका कॉलर है फैब्रिक बहुत ज़्यादा स्मूथ है फिटिंग वाइज भी बहुत अच्छा है मैंने ये स्मॉल साइज़ का मंगवाया आप इसकी स्लीव्स भी देख सकते हो मुझे ऑल ओवर ये सारे टॉप लाइक like मेरे पर्सनल फेवरेट हैं ये सारे मेरे पास ही रहेंगे एक महीने से ये ऑर्डर मेरे पास आया हुआ है इसमें से कुछ भी रिटर्न मैं नहीं करूँगी ये मैं बस आप लोगों के लिए हॉल बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स और क्वेश्चन uh, होते हैं स्नैपचैट पर स्पेशली क्योंकि स्नैपचैट में ज़्यादा एक्टिव हूँ और जब भी मैं कोई हॉल वीडियो बना रही होती है जो भी मैं कुछ पहन के बैठी होती हूँ वो मोस्टली फ्रॉम हर होता है तो लोग पूछते हैं कहाँ से लिया ये कहाँ से था वो कहाँ से था तो इसीलिए मैंने इतना ह्यूज ही ऑफ टॉप का आपको दिखाया कि ये सारा इस सीजन अब आप कह सकते हो अगस्त में मैंने लिया है कि हाँ कुछ नए टॉप लेती हूँ ये पहनूंगी ऐसे पेयर अप करूंगी तो इतने बेसिक टैंक टॉप लिए हैं जो स्कर्ट पे क्या और प्लाजो पे क्या ऐसे डेनेम्स में कार्गो में सब में इन रहेंगे और कुछ मैंने स्टाइलिश टॉप लिए हैं कि बेसिक डैनम्स के साथ वो बहुत अच्छे जाएँ आई होप आपको मेरी चॉइसेस अच्छी लगी होंगी ये वेराइटी ऑफ टॉप्स आपको पसंद आए होंगे आइए थोड़ा कॉस्टली है हर बैनिक लेकिन अगर आप मेरा अगेन कूपन कोड यूज़ करोगे गीमा बी ट्वेंटी थ्री तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा तो आपको काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे मिल जाएगी क्योंकि मटेरियल क्वालिटी वगैरह बहुत सही होती है जो दिखाया होता है एक्चुअल में वही आता है बाकी थैंक यू सो मच मेरी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए और ऐसे ही आप मेरी वीडियो को प्यार देते रहिए मुझे प्यार देते रहिए मैं बैठी हूँ यहाँ पर आपका सबका प्यार बटोरने के लिए प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर देना मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और जाते जाते कमेंट्स में ये भी बता देना आप नेक्स्ट वीडियो क्या देखना चाहते हो कौन से ऐप से क्या वीडियो तो वो मैं आपके लिए जरूर प्लान करूँगी और बहुत जल्दी लेके आऊंगी वेल दैन ओके बाय बाय लव यू जल्दी मिलते हैं